हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टेली क्लॉक। फ्रेंड, तीसरी प्रकाश का नागन 6 जिसका प्रीमियर 12 फरवरी 2022 को हुआ, टेलीविजन पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ड्रामों में से एक बन गया। तीसरी प्रकाश के साथ शो ने अपनी दिलकश कहानी और जोर तोड़ कास्ट के साथ मदाहों को अपनी स्क्रीनों पर चिपका कर रखा। मौजूदा मौसम मफूकल फितर दायरे में सनसी खेज मोर धोखादेही और ताकत की जदोजहद से बड़ा हुआ है। हर एपिसोड के साथ दाव पर लगा दिया गया है, नाजरीन को इनकी नशिस्तों के किनारे पर छोड़ दिया गया है। तमाम हाल ही में ये इतला मिली थी कि तीसरी प्रकाश के नागन को अलविदा कहने का वक़्त आ गया है, क्योंकि इस हफ्ते के आखिर में आखिरी चंद अक्सात नशर होंगी, जबकि एकता कपूर मफूकल फितरत फ्रेंचाइज को जारी रखेगी और नागन 7 जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। शो की कामयाबी ने सिर्फ अफवाहों के 7वें सीजन में आने वाले तवक्कुआत को हवा दी है। अगली नागन कौन होगी? रिपोर्ट के मुताबिक एकता कपूर मुस्तकबिल करीब में मुकम्मल तौर पर नई कास्ट के साथ नागन के 7वें सीजन को शुरू करने की तैयारी कर रही है। ताहम अभी तक इसकी रिलीज की तारीख और वक्त के हवाले से कोई खास तफसीलात सामने नहीं आई है। इसके दरमियान सोशल मीडिया पर एक वीडियो मंजर आम पर आई है, जिसमें एक अदाकारा का एक छोटा सा क्लिप दिखाया गया है जो अगली नागन को मुतारफ करवाते हुए वॉइस ओवर के साथ चल रही है। इससे ये भी जाहिर होता है की नागन 7 जल्द ही हो जाएगा। जैसे ही ये ऐलान होगा, आप देखेंगे कि एक नई नागन की कहानी कौन होगी। प्रोमो में ये भी देखा गया है कि एक औरत को सुर्ख साड़ी में लिपटी हुई मंदिर की तरफ चलते हुए देखा गया है, जबकि शो के बारे में बाज़ाब्ता तस्दीक होना बाकी है। प्रियंका चाहर चौधरी और आयशा सिंह के नाम नागन के किरदार के लिए मुमकिना दावेदार के तौर पर सामने आए हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में शायकीन अगली नागन के बारे में क्या सराहिया कर रहे हैं, जबकि अफवाहों के आने वाले सीजन के लिए भी अपने जोश का इजहार किया जा रहा है। शायकीन बेसब्री से ऑफिशियल ऐलान का इंतजार कर रहे हैं, जो एक बार फिर नागरों की पुरफितन दुनिया में गर्क होने के लिए तैयार हैं। इस वीडियो से मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।